तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हीर खान नाम की एक महिला ने, प्रयागराज की रहने वाली है, उसने किस तरह से YouTube चैनल खोला, 5 अगस्त को उसने ब्लैक डे बनाया और उसके बाद लगातार गालियां दी हिंदू देवी देवताओं को, और उसके बाद वो उकसाती रही अपने धर्म के लोगों को, मुसलमानों को। बेंगलुरु में सुनाते हैं हम आपको, मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, नुपुर शर्मा, साथ ही साथ मेरे साथ संगीत रागी जी हैं, आरएसएन सिंह साहब हैं, मौलाना कादरी साहब हैं, और मेरे साथ मेरी दोस्त साथ में इस वक्त मौजूद हैं, नुपुर के साथ साथ मेरे साथ इरफा जान भी मौजूद हैं जिनसे हमने अभी अभी बात की थी। अब मैं आता हूं कि क्या कहा था हिना ने, हीर ने क्या कहा था, इसका असली नाम कुछ और है, हीर नाम से YouTube चैनल चलाती है। बेंगलुरु में विवादित पोस्ट के मामले में हीर खान जेल उगर चुकी है। हीर खान खुद को कौम का नुमाइंदा कहती है, सुनिए वो किस तरह मजहब के नाम पर जहर फैला रही है। हेलो एवरीवन, असलाल को उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी मुझे पता चला कि बेंगलोर में क्या हुआ है। मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें वो बता रहे थे कि बेंगलोर में नबी पाक की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसको लेकर मुसलमान रोड पर उतर आए हैं, उन्होंने क्या किया, उसमें से 3 मुसलमान शहीद भी हो गए हैं। सबसे पहली बात हम करना चाहते हैं, जो हमारे 3 मुसलमान जो हमारे जिन्होंने शहादत पाई है, ऐसी शहादत को हम सलाम करना चाहते हैं। हमारा सलाम भी कम है उनके लिए, जो हमारे जो 3 मुसलमान जो बेगुनाह मुसलमान जो जिनकी शहादत हुई है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए, और जिनके घरों में जो चिराग बुझे हैं ऐसे चिराग पे हम मतलब कुर्बान जाए, हमारी आने वाली नस्लें ऐसी शहादत पे कुर्बान जाए, ऐसी शहादत अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत हमारे नसीब में लिख दे। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो शान में गुस्ताखी करते हैं उनके लिए आवाज़ उठाते, हम शहीद हो, हम ऐसी मौत चाहते हैं। मैं आऊं आपके पास, उससे पहले धनंजय यादव के पास चलता हूं, हमारे दर्शक इस शो में जुड़ते हैं, ये देश का इकलौता शो है जहां पर दर्शक सीधे बहस में शामिल होते हैं। धनंजय यादव जी, क्या कहेंगे हीर खान की सोच के बारे में, कहां से आ रही है सोच और 5 अगस्त के बाद क्यों? देखिए दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि ये इस्लामिक कट्टरपंथी है, इनकी बाकायदे ट्रेनिंग होती है, और ये सपना देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को पूरी तरह से इस्लामिक देश के रूप में तब्दील करने की, तो इनके पीछे पूरा एकदम से पूरा काम हो रहा है, इसके पीछे खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं और ISI का पूरा इसके पीछे फंडिंग हो रही है, और ये जो इस्लामिक जो देश हैं उनकी 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 पूरी तरह से फंडिंग है इनके पीछे, और जाकिर नायक जैसे लोग इनके रहनुमा हैं, वही पूरी तरह से मतलब कि इनका सहयोग इनका कर रहा है, इनका पीछे से इनको बैकअप दे रहे हैं, तभी ये ऐसा जहर उगल रही है। नहीं तो अभी जो प्रयागराज में ये हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोली उसके कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर अभी पैगंबर के खिलाफ हम अगर कुछ ऐसा कार्टून या कुछ ऐसा कुछ बना देते हैं तो पूरा देश जलने लगता है, पूरे देश में आग लग जाती है। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपकी इसी बात से ले जाऊंगा, आप बहस में नहीं थी, लेकिन मैंने मौलाना कादरी से पूछा कि भाई हिना खान के बारे में आप क्या कहेंगे, तो कादरी साहब ने कहा कि भाई सोशल मीडिया में तो गाली गलौज चलती रहती है, दूसरी बात बोला आपके न्यूज नेशन के भी पेज पर वो है बहुत सारी गाली गलौज होती है। मैंने यही सवाल इरफा से पूछा तो इरफा ने कहा कि नवीन को चूंकि गिरफ्तार नहीं किया गया था, आपने देखिए इसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया, सवाल क्या? और उन्होंने ये भी बताया कि बेंगलुरु पुलिस ने कहा था कि हम नवीन को गिरफ्तार नहीं करेंगे, मुझे बताइए नुपुर ये सोच क्या कहती है? नवीन ने भी किस चलते हुए जो कहा लिखा वो कहा, जरा आप बात की तय तक चाहिए, पहले एक्शन पे जाइए, रिएक्शन पे नहीं। और अगर रही बात रिएक्शन की, और जो लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे गाली गलौज चलती रहती है, तो कैसा लगेगा जो देश भर तो दुनिया भर में 50 इस्लामिक देश है जहां पे ईश्वर निंदा या ब्लास्फेमी कानून किस तरीके का चलता है, अगर उस इस्लामी देश के ईश्वर निंदा कानून को अगर हम भारतवर्ष के अंदर लागू करने लगेंगे तो लगा लीजिएगा हीर खान या सना उर्फ सना, इनका क्या हर्ष्य होगा बताइए जरा मुझे दीपक जी, आप सोच सकते हैं? कोड़े पड़ेंगे और पथराव करके इनकी जान ले ली जाएगी, मेरे को बोले दीजिए, आपके चिल्लाएंगे मैं आपसे ऊपर चिल्ला सकती हूँ, ये आपको भली बात ही पता होगा, पूरा देश जानता है कि मैं आप सबसे ऊपर चिल्ला सकती हूँ, अपने समय पे बोलिए, तमीज से बात कीजिए, हम या कोड़े मारने वाला
और पथराव करके जान लेने वाला देश नहीं है, लेकिन हीर खान जैसे लोगों के लिए यही हो यही सही है। क्या सोच के उन्होंने गाली गलौज वाला वीडियो डाला? और आपने बिल्कुल सही कहा कि नवीन ने जिस वजह से कहा था उसकी तह का तो कोई जाने को तैयार नहीं है। बैंगलोर में उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में तो बात कीजिए, किस तरीके से नैरेटिव को स्पिन करने की कोशिश की दीपक जी, के हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाई थी, पीसफुल्स ने ह्यूमन चेन बनाई थी। क्या आपने वीडियो नहीं सुना? उसके अंदर ऑडियो साफ है, कहता है अरे अरे इसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर लो, दिखना चाहिए कि हम अच्छे लोग हैं। क्या बकवास है ये? अब आप लगा लीजिए जो बैंगलोर में हुआ, अगर वैसे ही यहाँ की जनता अगर भड़कने लगेगी तो देश का क्या हर्ष होगा? शायद आप ये लोग यही यही चाहते हैं, क्योंकि जाकिर नायक ने हाल ही में कहा है कि भारतवर्ष के अंदर 60% भी हिंदू नहीं है। लगभग आप सुन लीजिए क्या कहा है, 250 से 300 मिलियन यहाँ पे जो आबादी है वो मुसलमानों की है, साथ में दलित मिला लो, क्योंकि जाकिर नायक को लगता है कि दलित हिंदू नहीं है, बाकी माइनॉरिटी मिलवा लो, फिर सोचो किस तरीके की फोर्स बनेगी। एक बिल्कुल बीजेपी की विपक्षी पार्टी को सपोर्ट करो, नहीं तो मुसलमान की पार्टी बनाओ। ये देखो कि एमबीए महाराष्ट्र में और केरला के अंदर जहां सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन है, 127 लोग आईसिस के लिंक के सस्पेशन के ऊपर अरेस्ट हुए हैं केरला में, और उन सबके पास मेजोरिटी में लिटरेचर जो पाया गया उसमें जाकिर नायक का लिटरेचर पाया गया है, उसके भाषण पाए गए हैं। जाकिर नायक उनको आगे क्या कहता है कि सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर केरला आ जाओ और केरला के बाद हिजरा करो, जिसका मतलब है माइग्रेशन, इस्लामिक कंट्री में जाके रहने लगो। अरे भाई आज तेरा मलेशिया में रहना इतना मुश्किल हो रहा है, तू अपने आप को इतना होशियार समझ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कोई देश तुझे नहीं अपनाएगा और तू वही होगा सलाखों के पीछे जहां तेरी असल जगह है। ठीक है, मैं सीधे इरफान के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मौलाना कादरी और संगीत रागी जी को मैं इसमें जोड़ूंगा। मौलाना कादरी, मैं जानना चाहता हूं, आपने कहा हीर खान के बारे में कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज चलती रहती है, तो फिर बेंगलुरु में आपने थाना क्यों चलाया, 3 लोगों को क्यों मार दिया, बेंगलुरु में दंगा क्यों करवाया, बताइए, जवाब दीजिए इसका। आप तो कह रहे ना सोशल मीडिया में गाली गलौज चलती रहती है, तो ऐसी क्या मिर्ची लग गई थी आपको? आप उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। सर आपने जो कहा वही कह रहा हूं मैं, मेरे दर्शक भी कह रहे हैं कि मौलाना साहब से सवाल पूछो। किसी किस्म की भी कोई गलत बात करता है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, उसकी कभी ताइद नहीं करूंगा। सर आपने अभी कहा कि सोशल मीडिया पे गाली गलौज चलती रहती है, आप न्यूज नेशन के पेज को देख लीजिए, आपने खुद ने कहा, मैंने नहीं कहा, आप चाहे तो मैं निकाल के सुना सकता हूँ। सोशल मीडिया पे देखिए कितने गालियां रहती है, ये बोला मैं ये बोला। और दूसरी बात यहाँ पर आप तो वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, नहीं बात तो बताइए, अगर सोशल मीडिया पर गाली गलौज चलती रहती है तो बेंगलुरु में दंगा क्यों करवाया? अरे आप बोलने नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा कैसा? आपके चैनल के ऊपर मजहब के ऊपर डिस्कशन ना हो, अगर कोई टॉपिक है मजहब पे तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, बैठेंगे गुफ्तगू करिए मजहब के बारे में, हिंदू मुसलमान के मजहब क्यों नहीं हो, यह हिंदुस्तान है क्यों नहीं हो, आर एन सिंह ने क्यों नहीं हो, बिल्कुल हो, बिल्कुल हो, यहीं पे होगा, हिंदुस्तान में होगा, हमने अपने पैसों से सींचा है, सुन्नी इस्लाम को, शिया इस्लाम को, अहमदिया इस्लाम को, जब जिस समय 1628 में जब पूरा देश भूखमरी से मर रहा था, उस समय शाहजहां ने 6 लाख रुपए भेजे थे मक्का में, 1576 में अकबर ने भेजा था हमारे पैसे से काबा और नजफ में, काजा और नजफ में 5 लाख रुपए अवध के पैसे से वहां पर हिंदिया कैनाल बना था। अहमदिया यही से ना, हमारा इस पूरी दुनिया में हमारा स्पेशल राइट होता है सारे मजहबों के बारे में बोलने का और रिसर्च करने का। ये यूरोप नहीं है, यही गजवाए हिंद और कहीं किसी और कोई कंसेप्ट नहीं है पूरी दुनिया में, केवल गजवाए हिंद है, तो गजवाए हिंद की उल्टी धारा भी यहीं से चलेगी। इसलिए हम हर किताब की चर्चा करेंगे, हम अपनी किताब को लेके आते हैं, आप अपनी किताब को लेके आओ। कुरान के बारे में गलत बोलेंगे, ये मत कहो कि हम मजहब पर चर्चा नहीं होगी, बिल्कुल चर्चा होगी, इस्लाम के बारे में बिल्कुल चर्चा होगी, किसने कारवां लूटा, किसने औरतों को लूटा, किसने बाबर क्या लूट के ले गया, शाहजहां ने किस कैसे 76 मंदिर तोड़े, ये सारा कुछ होगा। अगर ये नहीं होता है तो ये देश में कभी रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता है। ये सतही तौर पे बातें करने से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल होगा। आप ठीक है, मैं एक मिनट, मौलाना कादरी जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, इनकी भी बात का जवाब दूंगा।
इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, इन्होंने कहा कि जैसे महाभारत रामायण पर खुला डिस्कशन हुआ, सब कुछ टीवी पर चल गया, तो फिर इसको डिस्कस करने में क्या दिक्कत है? आप तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं ना, तो आरएसएस साहब की भी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। संगीत रागी जी चैनल पे होगा, संगीत रागी जी मौलाना साहब सवाल उठा रहे हैं, क्या रिसर्च और डिस्कशन इस बात पर नहीं होना चाहिए? मेरा आपसे सवाल है। ये भी बात होगी कि आपके पूर्वजों का नाम क्या था? दीपक जी बिल्कुल होगी। दीपक ये भी बात होगी कि मोहम्मद इकबाल का दादा का नाम सहजराम सपूत था, ये बात होगी। जिन्ना का दादा का नाम सहजराम। एक मिनट संगीत रागी जी, एक बात ऐड करना चाहते हैं, मैं आपके पास फिर आऊंगा। संगीत रागी जी, ये डिस्कस होगा कि फारूक दीपक जी आवाज मेरी जा रही है जी? बिल्कुल बोलिए आप। हाँ दीपक जी, देखिए जब हम टेलीविजन डिबेट में बात करते हैं तो न तो कुरान शरीफ कुरान की और न ही प्रॉफिट की अवमानना की बात मेरे मन में आती है या किसी की बात में आती है, लेकिन जो कुरान की आयतें हैं वो हम डर करके नहीं बोलेंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। कुरान की आयत सूरा 4:101 क्या कहता है? अनबिलीवर्स आर योर सोर्न एनिमीज, जो नहीं इस्लाम में विश्वास करता है वो तुम्हारे दुश्मन है। सूरा 60 अभी आपको जवाब दे दिया ना, अभी आपको जवाब दे दिया। अरे सर आपको 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 आयत बता दिया। कुरान का कंक्लूजन बता दिया कि हिंदुइज्म में विश्वास नहीं करता इसलिए उसको मार डालो। ये सिर्फ इस्लाम कहता है कि इस्लाम में नहीं विश्वास करता इसलिए मार डालो। दोनों में अंतर है। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, मत समझाइए। हमने वही बात कही है जो टैगोर ने कहा, विवेकानंद ने कहा। टैगोर ने क्या कहा? दुनिया में दो ही धर्म है, इस्लामी एक धर्म है जो जिसके लिए बाकी के धर्म जो है वो दुश्मन है। ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो अंबेडकर जी ने कहा, जो टैगोर ने जो व्याख्या की, जो विवेकानंद जी ने व्याख्या की। और वो ये भी बताइए सुनिए तो सही, क्या किया था आपने उनके साथ? उनके साथ में आप लोगों ने कैसा मत बताइए। यही कुरान इसी कुरान के हवाला दे करके तालिबान खड़ा हुआ है, इसी कुरान का हवाला दे करके जैसे मोहम्मद काम करता है, इसी कुरान का हवाला दे करके देवबंद पाकिस्तान काम करता है। अरे देवबंद पाकिस्तान अलग हो गया, देवबंद हिंदुस्तान अलग हो गया, कुरान की व्याख्या पाकिस्तान में अलग है। ठीक है, एक कमेंट इरफा से लूंगा, उसके बाद नुकुल सर क्लोजिंग कमेंट लूंगा। इरफा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इरफा मेरे सवाल को गंभीरता से लीजिएगा। चौरसिया जी, ये संगीत रागी ने बहुत कुछ कहा है। सर इरफा जी को ले लो, इरफा जी को ले लो, वक्त की कमी है इरफा। एक कमेंट आपसे चाहता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज ओपनली डिस्कस हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसे बिल्कुल गलत नहीं। अगर आप किसी चीज को एक सेकंड, अगर आप किसी चीज को ओपनली डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने अभी कुरान की पंक्तियाँ पढ़ के सुनाई है, ये जो अंबेडकर ने एनहाइलेशन ऑफ कास्ट लिखा, जो स्पीच उन्होंने लिखा जिसमें हिंदू महासभा ने बहुत बवाल मचाया, किसी दिन एनहाइलेशन ऑफ कास्ट में से भी दो तीन पंक्तियां पढ़ के सुना ले। अंबेडकर साहब को पढ़ के सुनाने लगूं ना तो आप उठ के चले जाओगे यहाँ से। मैडम अंबेडकर साहब का अगर मैं उनके पढ़ के सुनाने लगूं ना आप उठ के चले जाओगे। अंबेडकर साहब एकमात्र लीडर थे। बताइए अंबेडकर जी ने अपना मजहब क्यों बदला? अंबेडकर साहब एक पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट नुपुर शर्मा से। और मैं बता दूं क्या जानबूझकर जिहादियों को फैलाई जा रही है, 91% लोग हाँ बोल रहे हैं। नुपुर क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से, क्या सोचती हैं आप? क्या बोल रही है ये आप इतना? और डॉक्टर अम्बेडकर की आप मजहब की बात कर रही है, अभी आप हाल की बात बताइए। डॉक्टर आनंद रंगनाथन जेएनयू के प्रोफेसर है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कुरान का वर्स, क्या बवाल मचाया आप लोगों ने? आप सेक्युलरिज्म और इंटॉलरेंस की डिबेट करते हैं, जरा आप मुझे आप एक बात बताइए कि एक जैन फूड का एक रेस्टोरेंट रन ओनर रन करता है तो आप उसे अरेस्ट करवा देते हैं हल्ला मचा मचा के? आए दिन हर चीज के ऊपर हलाल फूड लिखा होता है, आपको पता है ना? मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है कि हलाल करने से पहले एक कुरान की कलमा पढ़ेंगे, उसके
ठीक है, मैं सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन नुपुर ने अपनी बात कही और नुपुर ने अपनी बात कहते हुए कहा कि आनंद रंगनाथन ने एक ट्वीट कर दिया था, उस पर बवाल क्यों मच गया। इस मुद्दे पर भी किसी दिन बहस करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। आपने देखा देश में 91% लोग सोचते हैं कि जिहादी सोच जानबूझकर फैलाई जा रही है, क्यों? इसका जवाब हम तलाशने की कोशिश आगे की बहसों में करते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।